स्वागत है चेतन प्रोडक्शन के वीडियो पर। आज जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है बजाज का वाटर हीटर, गैस से ये पानी को गर्म करता है। दरअसल हमने सारी स्टडी करने के बाद में जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी हीटर जो होता है उसके मुकाबले गैस हीटर काफी किफायती पड़ता है, तो आइए करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बजाज वालों ने अमेजोन के जरिए हमें क्या भेजा है। एक ये अमेजोन की तरफ से एड्रेस और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑफर। ओके थैंक यू सो मच। और अब हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, ये पूरा ब्लैंक बॉक्स है, पूरी तरीके से टेप से पैक है। ये इसको खोलते हैं। पैकिंग किया हुआ है ताकि किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में डैमेजेस ना हो। तो दोस्तों ये है गैस गीजर बजाज का। दरअसल ब्रांडेड लेने के पीछे रीजन ये कि थोड़ी सर्विस भी अच्छी मिलती है और लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। तो आइए अब हम इसका इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। इससे पहले देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या बजाज ने हमें दिया है। कुछ एसेसरीज है पैकिंग के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए, वो हम करके देखेंगे। ये इसका यूजर मेन्यू, कैसे हमें इसे ऑपरेट करना है। चलो दोस्तों अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ इसको किस तरीके से हैंग करने के बाद में चालू किया जाता है। तो आप ये नीचे देख रहे हैं, ये एक बैटरी का पॉकेट है जहाँ पर आपको ट्रिपल ए साइज की बैटरी को लगाना होता है। आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये एक बड़ी साइज की बैटरी जो होती है, जो पहले किसी ज़माने में बड़े सारे जो रेडियो होते थे उनमें लगती थी, ये बैटरी आजकल शॉप से मिलना भी कई बार डिफ़िकल्ट होती है लेकिन फिर भी मिल जाती है। अगर आप उनको कहेंगे गैस गीजर के लिए हमें बैटरी चाहिए तो वो दे देंगे। तो इस बैटरी में ये जो प्लस वाला है हमें यहाँ पर रखना होता है और ऐसे ही ये जो सेकंड वाली बैटरी है उसे भी हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये दोनों लगाने के बाद आपको इसे पैक कर देना होता है और पैक करने के बाद में यहाँ से आपको स्विच को चालू करना है।
चालू करने के बाद में आप बस ये दोनों सारे जो कनेक्शंस हैं, ये गैस वाला पाइप का कनेक्शन है, ये पानी का इनलेट है और ये पानी का आउटलेट है। इन सारे के इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको जैसा भी इसमें पानी चाहिए, आप अगर गैस को ज़्यादा इस्तेमाल करके ज़्यादा गर्म करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से मैक्सिमम कर सकते हैं, और पानी की मात्रा अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज़ जो है समर और विंटर में काम में ले रहे हैं तो ये स्विचेज इसको आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक हिदायत दूंगा कि आप जब भी इसको इंस्टॉलेशन करें आप देखें कि इसका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाथरूम के बिल्कुल ही अंदर हो और ऐसा होने से कहीं जो गैस जो बर्न होती है उससे जो गैसेस निकलती हैं उससे आपको किसी प्रकार की क्षति हो। तो आप देखेंगे मैंने जो इसको इंस्टॉलेशन किया है वो बिल्कुल पैसेज में किया है ताकि किसी भी तरह का वेंटिलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अब हम इसे चालू करके देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पानी को चालू किया देखिए अब हम इसे चालू करते हैं। यहाँ से पानी को हमने चालू किया और पानी चालू करते ही यहाँ पर स्विच, यहाँ पर आपकी गैस जलने लगी है और इस तरीके से ये चालू हो चुका है। अभी हम इसको फिर से चालू करते हैं। चालू करते ही यहाँ पर ये रेड लाइट चालू हो जाती है और इससे ये गैस जो है जलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सिस्टम कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। इसके चालू होने के तुरंत ये देख लीजिए कि 5 सेकंड बाद ही आपको ये गर्म पानी देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इंस्टेंट ये बिल्कुल इतना गर्म हो चुका है कि मैं इसको हाथ में भी हाथ लगाना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आप अगर बिजली की खपत को कम करना चाहते हैं और एक यूज़र फ्रेंडली या फिर इस तरीके से कि आप बहुत ही कम पैसों में पानी को काम में लेना चाह रहे हैं गर्म करके, तो आप इस गीजर को काम में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।